अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने पेटी की लंबाई ली है 12 इंच, चौड़ाई हम ले ली है 9 इंच। इसी तरह से बाजू की लंबाई 10 इंच और चौड़ाई ली है 6 इंच। अब हम इस तरह से निशान लगाएंगे और कटिंग कर देंगे। ये देखें, बाजू की कटिंग हो चुकी है। हम पेटी की कटिंग करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। 5.5 इंच पे निशान लगाया और इधर 5 इंच पे इस तरह से गुलाई करेंगे और कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमारी पेटी की कटिंग हो चुकी है। अब हम दामन की कटिंग करेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे ये देखिए, हमारी पेटी की लंबाई है 13 इंच। इधर भी हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से पेटी इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, हमारा बिल्कुल निशान के ऊपर आई है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हम नीचे वाले दामन की लंबाई लेंगे। लंबाई हम इसकी 15 इंच लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इस तरह से इसे गुलाई करेंगे। ये देखें, निशान हमारा लग चुका है। हम कटिंग करेंगे। ये देखें, हमारी नीचे वाली गुलाई की कटिंग हो चुकी है। अब हम पेंसिल की मदद से इस तरह से पत्ती ड्रॉ करेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी पत्तियाँ कटिंग हो चुकी हैं। अब हम इस तरह से कलैदा कपड़े पे इसे पेस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारी पत्तियाँ पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम इस तरह से पैपिंग के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। इस तरह से इस पत्ती की पैपिंग करेंगे। ये देखें, पत्ती के ऊपर पैपिंग लग चुकी है। अब हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें, पत्तियां हमारी बिल्कुल तैयार हैं। गला हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब हम पत्तियों को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है। इसी तरह से हम बाजू के ऊपर भी पत्ती अटैच करेंगे। अब हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी पत्ती बिल्कुल अटैच है और फ्रॉक हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इस तरह से इस पे फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल हमारी लग चुकी है और अम्ब्रेला फ्रॉक हमारी बिल्कुल रेडी है।